टोंस नदी उफनाई कई गांव में मंडराया बाढ़ का खतरा। मेजा लोकेशन से अंकित तिवारी की इस वक्त की रिपोर्ट आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। क्षेत्र की टोंस नदी में बढ़ते जलस्तर से बरसेता नाले पर हुए जल जमाव से आवागमन में लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है। यात्रियों के लिए नावें चल जरूर रही है लेकिन पैसे को लेकर यात्रियों और नाविकों में नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। बता दें कि नाले पे पुलिया निर्माण में हुई देरी के कारण लोग नाव से आर पार हो रहे हैं। पूर्व सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी की संस्तुति पे मिनी पुल निर्माण कार्य कराया जा रहा है लेकिन कार्य पूरा न होने के कारण लोगों को ये परेशानी उठानी पड़ रही है। भाजपा से जुड़े रमाशंकर ने बताया कि इस बाढ़ से कई गांवों के लोगों की फसल खराब हो गई है। प्रशासन को आना चाहिए, पुल निर्माण में भी देरी पर नाराजगी जताई गई। साथ ही नाविकों को प्रशासन की तरफ से समय से पैसे दिए जाने की भी मांग की गई है। कोना गांव डेरा पे अभी बाढ़ तेजी से हो रहा है, खेती बाड़ी का नुकसान हो गया, घर के पास पानी पहुँच गया है। हाँ, अभी थोड़ा उसके लिए सरकार से कुछ सहायता के लिए देखभाल आके अधिकारी लोग करेंगे तो फिर कुछ किसानों को, अभी कोई आए नहीं है। अच्छा, किसानों को कुछ मिलेगा मुआवजा। क्या नाम है आपका? रामलाल। आया था, एक रुपया नहीं मिला था, बोले कि मैं महीने में 15,000 दूंगा तो भी नहीं मिला था। कहाँ एक महीना? एक महीना नहीं चला, फिर भी बोले थे कि जो मटे या जितने दिन चल रहेगी ना चलाओ, मैं 15,000। क्या नाम है आपका, किस गांव के हैं? मैं मंगोली गांव का। यहीं चलाते हैं? यहीं चलाया था, अगले साल चलाया था, फिर यहाँ से ज्यादा ना हो गई, कोना गांव में चला रहे थे, वहां से आर पार कर रहे थे। अधिकारी आए थे, बोले थे सवारी उस पैसा ले रहे थे? आप नहीं लिए थे? कोई आदमी देता है, कोई आदमी नहीं देता, जो रहने वाले हैं। क्या चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं क्या? प्रेम भाव से नाव वाले उतार दे रहे हैं, कोई इसे प्रॉब्लम दिक्कत नहीं हो रही है। अच्छा। हम तो यहाँ पढ़ाते हैं। अच्छा। बरसेता में और यहाँ कोचिंग करने जाते हैं, बराबर सुबह शाम आते रह जाते हैं, दो दिन भर में दो चक्कर मारते हैं। फ्री में जा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं? नहीं, फ्री में जा रहे हैं। अच्छा, कोई पैसे की मांग नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जो दे दे रहे हैं प्रेम से ले ले रहे हैं, नहीं दे रहे हैं कोई, मतलब देते हैं। और वैसे भी नाव से उतरना 16-32 आना जो दे देते हैं ले लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और क्या चाहते हैं आप? और क्या चाहते हैं क्षेत्रीय प्रशासन से? क्या आप प्रशासन से? हम लोग ये चाहते हैं कि आकर इन लोगों को जो कुछ हो सके सहयोग दे, इनकी दिनचर्या जो मजदूरी हो, जो इनकी पेट है इनके पास, इनकी मजदूरी चाहिए। प्रधान जी 3 नाव लिखे हैं। हाँ। उसके बाद यहाँ से कोई अधिकारी नहीं आए हैं, नाव लिखा है, प्रधान जी लिखे हैं। हाँ। क्या कहे हैं? बोले हैं कि भाई हम नाव लिख दिए हैं, 3 नाव है यहाँ। कब ये चलेगी नाव? चल रही है यहाँ, जगह पर वो लोग लिख के गए हैं। तो फ्री में चल रही है कि पैसा लग रहा है? पैसा ये लोग ले रहे हैं। हम छोटी बोट है, हम तो फ्री हम चला रहे हैं। हाँ। फ्री एक पैसा नहीं ले रहे हैं। तो छोटी मगर उसमें छोटी नाव पर कोई बैठता नहीं है। अच्छा। उसमें कितने बैठने की, मतलब कितना परमिशन है, कितने लोगों को बैठाएंगे आप? पैदल ही आदमी बैठ सकते हैं, 2-4 आदमी बैठ सकते हैं। अगर आईडी चली गई, सरकार आ जाए तो हम जाने की हम मिले तो बात तब तो संध्या भोजन करब, तो हमारा कुछ 10-5 मिले चाहिए, नहीं खाप का है अंदर अंत से आई है। अच्छा। हाँ भैया, हम 25 कुछ आए है तो भोजन। कहाँ से आए हैं आप? कुहार से आए। तो मामोली से। अच्छा, तो मतलब कितने लोगों को बैठाते हैं आप एक बार में? 5 गाड़ी 4 गाड़ी बस। सवारी बैठती है? सवारी पैसा दे रही है? सवारी पैसा देती है जो मांग रहे हैं आप? नहीं नहीं, सवारी मांग से नहीं पूरा पैसा देता। हाँ। मांगी थे तो क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? अरे चाहे तो का जौन खुशी तो दे दें जाए, और हम यहाँ रहजनी करे नहीं आई साहब बस। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन तो भाई हमारे लोग के आए है खेवे, अगर वो चाहे कि यहाँ गरीब आए हैं तो उनको सरकारी पैसा दे दें, अगर नहीं आएंगे तो जो सो। इसके पहले आप कब से चला रहे हैं यहाँ नाव? अभी जब ये बाढ़ है आई है तब। नहीं, नाव इसके पहले भी और साल भी आप चलाए हैं? नहीं, अब पहली बार आए हैं। पहली बार। क्या नाम है? अगले साल हमारा नाम है लाला। मैं रमाशंकर निषाद, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हमारा निवास बरसाता मेजा प्रयागराज। मैं इस गांव का स्थायी निवासी हूँ। यहाँ हमारे यहाँ बछड़ा नाले पर जो पुल बन रहा है, माननीय सांसद, पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी से के उद्देश्य से यहाँ ठेकेदार लोग मार्च से काम लगाए, अंतिम मार्च तक काम लगाए, लेकिन पुल की काम अधूरा रह गया, क्योंकि ठेकेदार लोगों ने कुछ न कुछ गद्दारी किया और समय का पालन नहीं किया, इसलिए पुल
उनका काम पूरा नहीं हो पाया और या नदी टॉस नदी नज़दीक होने के नाते अक्सर ये गांव ये नाला हर साल 5 फीट 10 फीट पानी में डूब जाता है। कौन कौन से गांव प्रभावित होते हैं, क्या जिससे कि यहां के सिंहपुर, बरसैता, कोना, भटौती, भसुंदर, इधर बगल में खारा बिरतिया, ये 5-7 गांव प्रभावित हैं। यहां की जनता आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है। यहां नाव जरूर 2-3 नाव लगी हुई हैं, लेकिन लोगों को भी सरकारी कहती से कोई अधिकार, मतलब कोई अधिकारी नहीं आए। क्या चाहते हैं? अब यही हम लोगों से निवेदन है कि सरकार द्वारा कुछ न कुछ इन नाविकों को मिले और आकर के आश्वासन दिया जाए कि इन लोगों को कुछ न कुछ मजदूरी मिलेगी ताकि उतारने बैठाने में कोई दिक्कत न हो। अभी इस बार से नुकसान क्या हुआ है? इस बार से अभी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा बहुत ऐसे तिली और ये क्या कहते हैं तिली और बजरे की खेती थोड़ा बहुत बोई गई थी, जो हल्का फुल्का 4-6 बीघा केवल बूढ़ा है।